ओके गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल द एडुवर्स। दिस साइड योगेंद्र शुक्ला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज़ टाइटल्ड एज द चैप्टर नंबर 35 ऑफ एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले देखो, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइब्यूनल। इससे पहले हमने हाई कोर्ट के बारे में भी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी में आपको मैं इसकी शॉर्ट हैंड समरी दूंगा। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है ना, मेरे साथ पढ़ना और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट वी कैन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरा वन। ठीक है, नाउ हियर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा कोई प्रोविज़न कंटेन नहीं करता, मतलब ऐसी कोई ट्राइब्यूनल्स के बारे में मतलब जिक्र नहीं करता। ठीक है ना, कोई प्रोविजंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल्स। बट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, कब का अमेंडमेंट एक्ट है? 1976 का। उसने एडेड अ न्यू पार्ट विच इज़ द पार्ट नंबर 14 ए। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 14 ए। ओके, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट नंबर 14 ए है, ये ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, अब जो पार्ट 14 ए है, ये क्या कंटेन करता है? दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज ट्रिब्यूनल्स। इस पार्ट को एंटाइटल किया गया है एज द ट्राइब्यूनल्स। ओके ना, एक मिनट, इस पार्ट को एंटाइटल किया गया है एज ट्राइब्यूनल्स। ओके, ठीक है ना, पार्ट नंबर 14 ए एंटाइटल्ड एज ट्राइब्यूनल्स। ओके, नाउ जो कि, और ये जो पार्ट नंबर 14 ए है, ठीक है, ये जो है कंसिस्ट करता है दो आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल कंसिस्ट करता है? टू। ओके, अब वो दो आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 323 ए, ठीक है, जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, और आर्टिकल नंबर 323 बी, जो कि डील करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। ठीक है ना, अल्टीमेटली इस पैराग्राफ की जो शॉर्ट एंड समरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसे कोई प्रोविजन कंटेन नहीं थे रिगार्डिंग द ट्राइब्यूनल, बट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ द 1976, ठीक है, उसने एक नया पार्ट ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नेम्ड एज पार्ट नंबर 14 ए, जिसको टाइटल दिया गया ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। और जो ट्राइब्यूनल, ये जो पार्ट है, ये कंसिस्ट करता है दो आर्टिकल, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। जो आर्टिकल 323 ए है, वो डील करता है विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ओके, एंड जो आर्टिकल 323 बी है, वो डील करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। सो लेट्स मूव ऑन नाउ हेयर। अब जो हमने बात की आर्टिकल 323 ए की, ठीक है, आर्टिकल 323 ए की जो बात की, जो कि कंटेन करता था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ हेयर आर्टिकल 323 ए एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर। जो आर्टिकल 323 ए है, वो हमारी पार्लियामेंट को इनफ पावर देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इनका वर्किंग क्या है? इनका वर्किंग ये है कि जो भी रिक्रूट होती हैं पब्लिक, जो भी पर्सन रिक्रूट होते हैं थ्रू द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द सेंटर, उसकी सर्विस कंडीशन और रिक्रूटमेंट का इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, जांच करना, उस पर नज़र रखना, कीप आई ऑन देम। पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंटर हो गया, द स्टेट्स हो गया, ठीक है, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड द अदर पब्लिक अथॉरिटीज़। नाउ हियर इन अनदर वर्ड्स, जो आर्टिकल 323 ए है, वो इनेबल करता है पार्लियामेंट को टू टेक आउट द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स, ठीक है ना, फ्रॉम द सिविल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल।
अब जो आर्टिकल 323 है ए है, वो इनफ पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं रिगार्डिंग टू द सर्विस मैटर्स, ठीक है ना, वेदर इट इज़ द पब्लिक, वेदर इट इज़ द सेंट्रल सर्विस और द स्टेट और द वी कैन से कॉरपोरेट सर्विस, उधर से वो जो मैटर है उसको उठा के फ्रॉम द सिविल और हाई कोर्ट से वो मैटर उठा के वो इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स प्लेस कर सके, ठीक है, कौन, पार्लियामेंट, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो डील करता है विद द केसेज रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स, ठीक है ना, उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर उसकी सर्विस कंडीशन को लेकर। ओके नाउ हियर इन परस्यूरेंस टू द आर्टिकल 323 ए, इन परस्यूरेंस टू द आर्टिकल 323 ए द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ द 1985। अब जो आर्टिकल 323 ए है उसी को परस्यू करते हुए, कब आया था ये, 1976 में आया था ना बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो उसी को परस्यू करते हुए जो पार्लियामेंट है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव इन शॉर्ट फॉर्म ATA एक्ट ऑफ 1985, ठीक है ना, उसको पास किया। कब, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया इन द ईयर ऑफ 1985। अभी जो एक्ट है, द एक्ट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। दिस एक्ट ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस फॉर टू द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स। जो हमारा सेंट्रल मतलब सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया 1985 में, वो इनफ पावर देता है सेंटर को, वी कैन से इनफ पावर या फिर उसको ऑर्डर देता है, ऑथराइज करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दो तरह के ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करे, जो कि पहला जो होगा वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा हमारा इन शॉर्ट फॉर्म विच इज़ द कैट, एंड जो सेकेंड वन होगा वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा इन शॉर्ट फॉर्म सैट। ओके अब दिस एक्ट ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वॉज सेटअप इन 1985 विद द प्रिंसिपल बेंच एट द दिल्ली एंड एडिशनल बेंच इन डिफरेंट स्टेट्स। एट प्रेजेंट इट हैज 17 रेगुलर बेंचेस, 15 ऑफ विच ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द रिमेनिंग टू एट द जयपुर एंड द लखनऊ। दीज बेंचेज ऑल्सो होल्ड सर्किट सिटिंग्स एट द अदर सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो जो हम लोग कैट का नाम डिस्कस कर रहे हैं, जो कैट है, ठीक है, वो सेटअप कब हुआ, 1985 में हुआ, ठीक है, और जो कैट है इसमें जो उसकी प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ सेटअप हुई, दिल्ली में, और उसकी कुछ एडिशनल बेंचेस भी सेटअप हुए इन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, और एट प्रेजेंट हमारे पास 17 रेगुलर बेंचेस हैं। कितनी कैट की रेगुलर बेंचेस, 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें से जो 15 हैं वो ऑपरेट करती हैं, 15 ऑफ विच ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना, 15 जो हैं वो प्रिंसिपल सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट पे ऑपरेट करती हैं, कौन, कैट, ठीक है ना, और जो रिमेनिंग दो हैं वो ऑपरेट करती हैं कहाँ, जयपुर और लखनऊ में, और जो ये कैट होती हैं ये सर्किट सिटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं दीज बेंचेस, ठीक है, इन अदर सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ हियर कैट एक्सरसाइजेज और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाई इट, ठीक है, जो कैट है ये इनफ पावर एक्सरसाइज करती है फॉर द जजमेंट या फिर जस्टिस लेने के लिए इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट या फिर ऑपरेशन ऑफ द ऑन द सर्विस मैटर्स, ठीक है ना, ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। नाउ हियर इट्स ज्यूरिडिकेशन एक्सटेंड्स टू ऑल, अभी इसका दायरा बताया गया, किसका दायरा बताया गया, कैट का, इसका जो दायरा है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, ऑल इंडिया सर्विस, जैसे हमारी IAS, IPS, IRS, ठीक है ना, ये सब हो गई, IFS हो गई, वहाँ से लेके द सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। हाउएवर द मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स, द मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय इट।
देखो ये कहाँ कहाँ कवर करती है, ऑल इंडिया सर्विस को कर लिया इसने कवर, सेंट्रल सिविल सर्विस को कर लिया कवर, सिविल पोस्ट को कर लिया, ठीक है ना, अंडर द सेंटर, और सिविलियन एम्प्लॉयज़ को भी कर लिया ऑफ डिफेंस सर्विसेज। बट ये जो डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वेंट्स होते हैं या फिर सेक्रेटेरी स्टाफ होता है पार्लियामेंट का, उसको कवर नहीं करता है कैट, ठीक है। नाउ कैट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन। अब ये उसका कंपोजिशन है किसका, कैट का। कैट क्या कंपोजिट करता है, ये हमारी कैट है, इसमें एक तो हमारा हो गया चेयरमैन, ठीक है ना, चेयरमैन हो गया हमारा एक, ठीक है ना, एंड कुछ अलग अदर मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ओरिजिनली द कैट कंसिस्टेड ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स। लेटर, पहले जब कैट आया हमारा 1985 में, तब जो कैट कंसिस्ट करता था चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी कंसिस्ट करता था, उसके साथ कुछ मेंबर्स भी कंसिस्ट करता था, लेकिन इन 2006 द प्रोविज़न फॉर द वाइस चेयरमैन वॉज रिमूव्ड। वाइस चेयरमैन की सीट को हटा दिया गया वैकेंसी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से ही तो आया है ना हमारा कैट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006, ठीक है ना। हैंस देयर आर नाउ नो वाइस चेयरमैन इन द कैट एट प्रेजेंट। 2019 की बात हो रही है। द सेंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज वन एंड द सेंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज वन एंड सेंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इज 65। जो चेयरमैन है हमारे कैट में वो कितने हैं, एक है, ठीक है ना, वन, एंड जो बाकी मेंबर्स हैं वो कुल मिला के कितने हैं, 65। दे आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो जो कैट के मेंबर्स हैं हमारे, ये कहाँ से ड्रॉन होते हैं, फ्रॉम द जुडिशियल स्ट्रीम यानी LLB वाले हो गए हमारे, या फिर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम, ठीक है, जैसे IAS IPS IRS, उन सब से उधर से आते हैं, ठीक है ना, एंड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 66 हो गए, जिसमें से एक हमारे चेयरमैन होते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। इनका जो ऑफिस होता है ये कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, उसके बाद उनको वैकेंसी स्विच कर दिया जाता है, ठीक है ना, और या फिर ये तो 65 साल के हो जाएं, ठीक है, इन केस ऑफ चेयरमैन, एंड 62 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर्स। जो चेयरमैन की एज होती है मैक्सिमम वो 65 ईयर्स होती है, और जो मेंबर्स की एज होती है वो हमें 62 होती है, ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर। जहाँ तक मेरे ख्याल से अर्लियर है टर्म ऑफ 5 ईयर्स ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन द कैट, जो कैट के मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी, हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी, ठीक है ना, चेयर्ड बाय सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो अपॉइंटमेंट होता है मेंबर्स का कैट के, वो होता है बाय द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, कमेटी बनाई जाती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स, ठीक है ना, जो कि इसमें कौन हिस्सा लेता है, सिटिंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट्स आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC, ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट्स हमारी अप्रूव की जाती हैं बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। नाउ हियर कैट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। जो हमारी कैट है, ठीक है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये बाउंड नहीं है किससे, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ द 1908। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना, किसके प्रिंसिपल पे ये है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस प्रिंसिपल कीप द कैट फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। जो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यही है एक, मतलब वी कैन से यही सब प्रिंसिपल्स हैं जिसने जो कैट है उसको अच्छे से फ्लेक्सिबल रखा है इन द अप्रोच, ठीक है। ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ 50 इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट। कोई भी आदमी, कोई भी मतलब आदमी क्या, मतलब कोई भी उस पर जो एप्लीकेशन डाल रहा है कैट में, ठीक है ना, फॉर द जस्टिस, उसको सिर्फ 50 रुपये देने पड़ते हैं। द एप्लीकेंट में अपीयर आइदर इन अ पर्सन और थ्रू अ लॉयर।
जो कैट है उसमें वो पर्सन अपना जो केस है या तो खुद लड़ सकता है या फिर वो लॉयर हायर कर सकता है फॉर द केस। ओरिजिनली अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कैट कुड बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। जो अपील्स होती हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट, अगर कैट ने कोई ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट किसी को अपील करनी है, उसको ऑर्डर वो सही नहीं लग रहा है, तो कहाँ पे अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एंड नॉट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये अपील नहीं मानी जाएगी। हाउ एवर एक एक्सेप्शन भी है इधर, ठीक है, कि जो चंद्र कुमार केस था ऑफ द 1997, ठीक है ना, उसमें द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, होल्डिंग दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेड डाउन दैट अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कैट शैल लाई बिफोर द डिविजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिक्लेयर किया दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो ये मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि कैट के अगेंस्ट कोई अपील करनी है तो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो भी एक ज्यूरिडिक्शन प्लेस है, ठीक है, हाँ, वो भी होल्ड करता है जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। इट लेड डाउन दैट अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कैट शैल लाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो अपील्स होंगी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कैट वो लाई की जाएंगी किसके बिफोर? पहले बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जो उस कंसर्न हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच होगी उसके बिफोर में लाई की जाएगी, फिर जाके हमारे पास आएगी। कॉन्सिक्वेंटली नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एग्रीड पब्लिक सर्वेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सही बात है भाई, डायरेक्टली कोई मतलब ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसको उसके कैट के जो डिसीजन है उससे दिक्कत है, वो डायरेक्टली तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, उसके लिए एक कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टाइप में है, ठीक है ना, विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस वैकेंसी अप्रोच को खारिज किया कि भाई डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएंगे, वो पहले इस हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है उसके सामने अपना अपनी बात रखेंगे, फिर हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कैट का। कैट में टोटल, अब एक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट, टोटल 66 मेंबर्स हैं जिसमें से एक हमारे चेयरमैन हैं। उन चेयरमैन को कौन रिक्रूट करता है? एक हाई हाई क्वालिफाइड वैकेंसी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, वो रिक्रूट करती है। उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा कौन होते हैं? हमारे सिटिंग जज होते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो जो जज है वो अपॉइंट किए गए हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हेयर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट आया ऑफ द 1985, उसने इनफ पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस्टेब्लिश कर सके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सैट को, ठीक है। जैसे उसने कैट को इस्टेब्लिश किया वैसे उसने सैट को इस्टेब्लिश किया, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, सो फार द सैट्स हैव बीन सेटअप इन द 9 स्टेट्स ऑफ आंध्र। अभी तक जो सैट हैं यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं वो 9 स्टेट में सेटअप हो चुकी हैं, जिसमें से पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ये 9 स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप है, ठीक है, बाय द सेंटर। हाउ एवर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश हैव सिंस बीन एबॉलिश्ड, हैव हाउ एवर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश ट्राइब्यूनल्स हैव बीन सिंस एबॉलिश्ड। वो सब मतलब ये जो 3 स्टेट हैं इनकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं सेट वो एबॉलिश हो चुके हैं, बट सब्सिक्वेंटली द हिमाचल प्रदेश री एस्टेब्लिश द SAT एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड नाउ टू री एस्टेब्लिश द सेम। देखो पहले तो 9 स्टेट में थी, उसमें से 3 स्टेट ने उसको एबॉलिश कर दिया, अब फिर जो हिमाचल प्रदेश है उसने रीस्टेब्लिश करवा लिया, ठीक है, और जो तमिलनाडु है उसने रिक्वेस्ट की है सेंटर से टू रीस्टेब्लिश इट, ओके। फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ रिक्वेस्टेड टू इस्टेब्लिश सेट फॉर देयर स्टेट, ठीक है। स्टेट हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने भी एक रिक्वेस्ट डाली है सेंटर पे कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी सेट का इस्टेब्लिशमेंट करो। ऑन द अदर हैंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर द एबॉलिशन ऑफ उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। वहीं जो उड़ीसा स्टेट है उसने एक भाई
प्रपोजल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमारे जो ट्रिब्यूनल उसको आप एबोलिश करिए, लाइक द कैट, जैसे हमारी कैट है वैसे जो सेट है वो एक्सरसाइज करती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो डील करेगी विद द केसेस ऑफ द, मान लो जैसे यूपी गवर्नमेंट की ट्राइब्यूनल है, ठीक है, तो मतलब जो यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो डील करेगी बाय द फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूपीपीएससी कैंडिडेट्स, ठीक है। उनकी सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी रिक्रूटमेंट कहीं कोई दिक्कत है। अभी जैसे जो लेखपाल का पेपर एग्जाम लीक हुआ था उस पर कौन डीलिंग कर रहा है, ठीक है, उस पर यही सब डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो है नहीं ट्राइब्यूनल, ठीक है, स्टेट ट्राइब्यूनल, लेकिन यही होता है, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द सेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ओके। अब जो हमारी जो सेंट्रल का है उसमें सीधा प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन वहीं जो हमारे सेट के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन किससे राय लेके, बाय द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर से। द एक्ट ऑल्सो मेक्स अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। अभी जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, हमारा एक्ट कौन सा था, एसी एक्ट था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है ना, ATA, जो हमारा एक्ट था ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आल्सो मेक्स अ प्रोविजन फॉर द सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन शॉर्ट फॉर्म जेट फॉर द टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बनाए जाते हैं, ठीक है, फॉर द टू मोर स्टेट्स। अ जेट एक्सरसाइजेज ऑल ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सच स्टेट्स। अब दो स्टेट्स हैं, मान लो यूपी और एमपी है, इसके लिए एक कंबाइंड ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाई गई जेट नाम से, ठीक है, इन द शॉर्ट फॉर्म। तो वो जो जेट है वो दोनों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे नज़र रखेगी, वैकेंसी उससे डील करेगी। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द जेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। भाई दो स्टेट हैं, तीन स्टेट, उन तीनों गवर्नर आएंगे, आपस में कंसर्न करेंगे विद द प्रेसिडेंट, फिर आपस में वो लोग बना के क्या अपॉइंट करेंगे, चेयरमैन और गवर्नर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑफ द कंसर्न स्टेट, ओके। नाउ हियर, ये तो हो गया आर्टिकल 323A, ये जो पार्ट था हमारा, कैट हो गया, सेट हो गया या फिर जेट हो गया, ठीक है, ये तो जो पार्ट था ये हमारा आर्टिकल 323A का था, है ना। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 323B, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। अब कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, अब भाई वो तो सिर्फ डील करते थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना, या फिर कॉरपोरेट सर्विसेज, ठीक है, उस पर डील करते थे। लेकिन जो आर्टिकल जो ये है ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स, ये जो कि आता है आर्टिकल 323B में, अब ये किससे डील करता है वो देखते हैं हम। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथराइज टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। अब आर्टिकल 323B ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसने ऑथराइज किया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, ठीक है ना, टू डील विद दीज मैटर्स, ठीक है ना। अब उसने जो पहला मैटर हो गया हमारा कि टैक्सेशन से डील करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से डील करेंगे, इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड द लेबर्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग्स ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टॉप्स, रेंट एंड टेनेसी राइट्स, ठीक है, इन सब से डील करते हैं वो सब ट्राइब्यूनल्स, ठीक है ना। हेयर आर्टिकल 323A एंड 323B डिफर्स इन थ्री एक्सपेक्ट्स। मान लो मेन सा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 323 एंड 323B। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है, उन दोनों के बारे में, तभी डिफरेंस लिख पाओगे। तो चलो हम लोग एक तरह से इसको ऐसा आंसर लेते हैं, उसको देखते हैं। वाइल आर्टिकल 323A, जो हमारा आर्टिकल 323 है, वो कंटेम्पलेट करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर द पब्लिक सर्विस मैटर, ठीक है ना, वहीं जो आर्टिकल 323B है, ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ कि वो डील कर सके फॉर द अदर मैटर्स, लाइक टैक्सेशन हो गया आपका, इलेक्शंस हो गए आपके, आपके रेंट हो गया आपका, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, इन सब मैटर्स पे वो डील कर सके, ठीक है ना। वाइल ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 कैन इस्टेब्लिश ओनली बाय द पार्लियामेंट, जो हमारी ट्राइब्यूनल्स है अंडर आर्टिकल 323 है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के
द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, तभी जो हमारे स्टेट्स हैं वो एप्लीकेशन डालते रहते हैं, ठीक है ना, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट या फिर एबोलिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। लेकिन वहीं जो आर्टिकल 323 बी है वो आपको ये बताता है कि बाय द पोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इधर देखो ना, पार्लियामेंट इधर हो गया और स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथोराइज, ठीक है ना, इनको अथॉरिटी दी गई है दोनों लोग को, ठीक है। तो ये अच्छा एक मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। नाउ हेयर थर्ड पॉइंट है, अंडर आर्टिकल 323 ए ओनली वन ट्रिब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। एक एक ट्राइब्यूनल है फॉर द सेंटर, सेंटर के पास एक ट्राइब्यूनल है और जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए एक है, या फिर दो या तीन स्टेट के लिए मिला के एक ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जिसको जेट कहा जाता है। लेकिन जो आर्टिकल, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स, वेयर एज अंडर आर्टिकल 323 बी अ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स मे बी क्रिएटेड, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक ट्राइब्यूनल आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हायरार्की बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 323 बी, लेकिन आर्टिकल 323 ए में ऐसा नहीं है, एक सिंगल ट्राइब्यूनल्स हैं। नाउ हेयर इन चंद्र कुमार केस, अभी हमने ऊपर बात की थी ना चंद्र कुमार केस की, इसमें क्या था, ऊपर वाले में क्या हमने बात की कि जो भैया जो हमारा कैट है, अगर उसका कोई, उसने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अपील करनी है आपको, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वो था। लेकिन इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक साफ कह दिया कि आप हमारे पास नहीं आएंगे, आप पहले जाएंगे हाई कोर्ट के, कंसर्न हाई कोर्ट के पास, ठीक है, उनसे आप, अगर उनसे आपका काम नहीं होता है, उनके जो बेंचेस इस्टेब्लिश किए गए हैं उनसे आपका काम नहीं हो रहा, तो आप हमारे पास आओगे, ठीक है। लेकिन जो अब इधर देखो, अब यहाँ पे क्या है, इन चंद्र कुमार केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दोज प्रोविजंस ऑफ दीज टू आर्टिकल्स विच एक्सक्लूडेड द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हैंस द जुडिशियल रेमेडीज आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स। ओके नाउ हियर नेम एंड जुरिडिक्शन ऑफ बेंचेस ऑफ द कैट। अब जो हमारी प्रिंसिपल बेंच है जो कि दिल्ली है, ठीक है, इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द बेंच क्या है, दिल्ली प्रिंसिपल बेंच की। जो सेकेंड है इलाहाबाद बेंच, इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द लखनऊ बेंच। अभी हमने बात की ना जयपुर और लखनऊ, ये दो एक्सटर्नल हैं, उसके अलावा जो 15 हैं वो हर एक स्टेट के पास है, ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल्स हैं, ऑपरेटिंग ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अब लखनऊ बेंच, उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय द इलाहाबाद बेंच, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही दो ही ट्राइब्यूनल बेंच हैं, एक इलाहाबाद हो गई, एक लखनऊ बेंच हो गई। कुत्तक बेंच, ठीक है, उड़ीसा कवर करती है। हैदराबाद बेंच हमारी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को। अब इधर देखो मिक्स हो गया, ये क्या कहेगा, ये सेट नहीं, ये जेट है, ठीक है, दो स्टेट का एक ही ट्रिब्यूनल है ना, हैदराबाद बेंच। बैंगलोर बेंच फॉर द कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ये भी जेट है, ठीक है, इसका बेंच कौन सा है, मद्रास बेंच। एरनकुल्लम बेंच, इसका केरला एंड लक्षद्वीप है। बॉम्बे बेंच, इसका देखो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, तो ये दो यूनियन टेरिटरी और दो स्टेट को कवर कर रहा है, कौन, बॉम्बे बेंच, ठीक है। तो ये तो कह सकते हो अल्टीमेट जेट है, ठीक है, क्या है, अल्टीमेट जेट, ठीक है। नाउ हियर अहमदाबाद बेंच फॉर द गुजरात, जोधपुर बेंच है, ये कवर कर रहा है राजस्थान को एक्सेप्ट जयपुर बेंच, ठीक है ना, और जयपुर बेंच ही सिर्फ राजस्थान को कवर कर रहा है एक्सेप्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब सिर्फ जयपुर को ही कवर कर रहा है ये। 13th इज द चंडीगढ़ बेंच, ये भी अल्टीमेट जेट है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। नाउ हेयर जबलपुर बेंच हो गया हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पटना बेंच बिहार झारखंड, कलकत्ता बेंच वेस्ट बंगाल सिक्किम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये तीन को कवर कर रहा है। एंड हेयर गुवाहाटी बेंच जो कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये मतलब ऑल साउथ ईस्ट को कवर कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, सॉरी नॉर्थ ईस्ट को कौन कवर कर रहा है, पूरे गुवाहाटी बेंच, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे 17 के 17 ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, वेदर इट इज़ कैट, वेदर इट इज़ जेट, वेदर इट इज़ सेट। सर्किट सिटिंग्स ऑफ द बेंचेस ऑफ द कैट, इलाहाबाद बेंच की कहाँ सिटिंग हो रही, नैनीताल में। कलकत्ता बेंच की पोर्ट ब्लेयर है गंगटोक में, ठीक है। चंडीगढ़ बेंच की शिमला, जम्मू, श्रीनगर। मद्रास की पुडुचेरी। गुवाहाटी बेंच की इधर, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। एर्नाकुलम बेंच की लक्षद्वीप पे, ठीक है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल्स एट द ग्रैंड, हमने 323 ए की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, इसमें कैट आता है, सैट आता है, जेट आता है, ठीक है।
आर्टिकल 323B की बात की, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स यहाँ रिफ़र करता है हमारा टैक्सेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, या फिर अर्बन सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आई होप आपको समझ में आया होगा ट्राइब्यूनल्स का, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। इसमें दो आर्टिकल की बात की गई, आर्टिकल 323A, 323B, और ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है, अंडर द पार्ट 14A, ठीक है। अब आर्टिकल जो 323A है उसके अंदर तीन चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, कैट, जेट और सेट। जो कैट है उसमें भाई जो उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 66 हो गए, जिसमें से सर 65 तो मेंबर्स ही हैं और जो एक बचा वो चेयरमैन है, चेयरमैन एलेक्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म ये रिविज़न है, अगर आपको रिविज़न करना हो तो पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देखो पूरा, ठीक है, और फॉर द ऑन द रिविज़न टाइम यू कैन वॉच इट इन 2x, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा गाइज, वो मैं सोच रहा हूँ हम लोग ये पढ़ा दें, 36 ही कर देते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, अब बचा सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। तो अभी इसकी आपको नई नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, टिल देन बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो यार, मचाते रहो, एंड ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखना कि ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना, इसको दिल में बैठा लो, ओके। सो टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और आपको पता ही है भाई, क्या 21 अप्रैल क्या था, सिविल सर्विस डे था ना, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, हमें भी ये मनाना है, मनाएंगे, अभी मनाते हैं, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपका पूरा खुला ही है, ठीक है, कोई चार्जेस देने नहीं है फॉर द कमेंट, तो मेक श्योर दैट यू विल कमेंट इट, ठीक है। अच्छा लगे, बेकार लगे, कुछ भी लगे, आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वैल्यूएबल। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, कीप रॉकिंग, कीप शॉकिंग, कीप ग्राइंडिंग, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।